सब्सक्राइब करिए टेक फैम को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक फैम और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि MIUI में ऐसा कौन सा चीज़ है जो नहीं दिया गया है जो MIUI में है। तो सबसे पहला आता है थीम्स। जो थीम्स ऐप है जो MIUI में नहीं दिया गया है। थीम्स ऐप में होता है क्या है, आप उसमें MIUI में थीम्स रखते हैं, जैसे कि iOS थीम, एप्पल का थीम, गूगल का थीम या और बहुत सारे कार्टून्स के थीम आते हैं, तो आप वो सब थीम्स रख सकते हैं जो MIUI में नहीं दिया गया है। MIUI में आपको प्ले स्टोर पर जाके गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा, लॉन्चर डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके आपके इसमें चेंजेस आएगा थोड़ा ये सब में। और सेकेंड चीज़ है सिक्योरिटी। MIUI में सिक्योरिटी ऐप्स दिया गया है जिसमें सेकेंड स्पेस करके वो है, सेकेंड स्पेस, तो सेकेंड स्पेस इसमें दिया जाता है पर सेकेंड स्पेस नाम नहीं बोलते उसमें। उसमें ऐसे गेस्टर मोड आप इसमें सेकेंड स्पेस करके यूज़ कर सकते हैं। और तीन चीज़ें हैं जो नहीं दिया गया, जैसे कि डुअल ऐप्स, आप इसमें डुअल ऐप्स नहीं चला सकते। जैसे कि हम उसमें कितने सारे डुअल ऐप्स चला सकते थे, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, बहुत सारे डुअल ऐप्स चला सकते थे, पर आप इसमें डुअल ऐप्स नहीं चला सकते। आपको प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करना पड़ेगा पैरेलल स्पेस, तो आप डुअल ऐप्स चला सकते हो। और तीसरा चीज़ है ऐप्स लॉक। तो ऐप्स लॉक भी जो है इसमें नहीं दिया गया है MIUI में। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे ऐप्स रखते और किसी चीज़ पे ऐप्स लॉक रखते तो इसमें नहीं दिया गया है इनबिल्ट, तो वो भी आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके आप ऐप्स लग सकते हैं ऐप्स लॉक। और थर्ड है डीप क्लीनर, यानी कि आप जो क्लीन करते हो आप उसका सारा कचरा वो निकाल के फेंक देते हैं, वो डीप क्लीनर भी इसमें नहीं दिया गया है जो MIUI में दिया गया है, तो वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लीनर करके नाम आता है प्ले स्टोर पर, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और थर्ड चीज़ है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर जो है इसमें बहुत ही सिंपल सा दिया गया है, इसमें बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेटर दिया गया है। तो और MIUI में बहुत ही प्रोफेशनल वाला कैलकुलेटर दिया गया है, जैसे उसमें अब हम बहुत सारे चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमें पता करना है डॉलर जो है इंडिया में कितना होता है या दिराम जो है इंडिया में कितना होता है, करेंसी पता कर सकते हैं हम उसमें, और फिर साइंटिफिक लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्पीड, ये सब पता कर सकते हैं। पर इसमें हम ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलता है हमको, कुछ सिर्फ ये सब मिलता है बस, और कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलता है MIUI में। और फोर्थ जो है हम लोग कॉलिंग में आता है। हम इसमें कॉलिंग में हम MIUI में हम कॉल करते तो हमें राइट साइड में एक नोट दिया रहता है नोट पैड, कि जब भी आपको कोई काम आए या कोई नंबर दे रहा है सामने वाला तो आप उस पर लिख सकते हो नंबर, पर इसमें नहीं दिया गया है। और इसमें एक और चीज़ है कॉलिंग में कि नीचे ना रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी इनबिल्ट दिया रहता है, तो इसमें नहीं दिया। इसमें अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आपको रिकॉर्डिंग में डाउनलोड करना पड़ेगा और ये नोट पैड भी डाउनलोड करना पड़ेगा। और फिफ्थ ऑप्शन आपको वो वाईफाई है, मतलब जैसे कि अभी हम MIUI में वाईफाई चालू करते हैं तो हमें MIUI पे हम वाईफाई चालू करते हैं तो वहाँ पे एक आता है टैप टू शेयर पासवर्ड, तो अब हमें MIUI में जब हम करते तो वहाँ पे आता है टैप टू शेयर पासवर्ड, पर MIUI पे हमें टैप टू शेयर पासवर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि गूगल वाले ने ये नहीं दिया है। तो अब टैप टू शेयर पासवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि अब किसी का वाईफाई का पासवर्ड निकाल नहीं सकते। यही कुछ चेंजेस है बस, और कुछ नहीं, पर मोबाइल एकदम अच्छी है A1। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करिए टेक फैम को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी।